और अभी ईद कुर्बान की बात करते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियों के क़याम से मुतालिक हुकूमत ने अहम हिदायत जारी कर दी हैं। मवेशी मंडियां शहर से बाहर कायम होंगी, SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया। हुकूमत ने मवेशी मंडियों को शहर से दूर कायम करने के अहकाम जारी कर दिए और इस सिलसिले में तमाम जिले इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया गया। कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाद साल 2020 की ईद उल अज़हा बाकी ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना से बचाव के लिए चंद अहकाम पर अमल जरूरी करार दे दिया गया है। हुकूमती अहकामात में कहा गया है कि जानवरों की खरीदारी के लिए हुकूमत की मुकर्ररा मवेशी मंडी जाएं, जरूरत के तहत सिर्फ वो अफराद मंडी जाएं जिन्होंने खुद कुर्बानी करनी हो। ज्यादा उम्र वाले अफराद और बच्चों को बकरा मंडियों में ना लेकर जाएं। मवेशी मंडी जाते हुए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करें। अंदरूने शहर में किसी मवेशी मंडी या फर्द से जानवर खरीदने से गुरेज करें। हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि शहरी इंफरादी कुर्बानी के बजाय इज्तमाई कुर्बानी को तरजीह दें। कुर्बानी मुकर्ररा मजाखाना खैराती कम्युनिटी तंजीमों और ऑनलाइन की जाए। इसके अलावा कुर्बानी का गोश्त जरूरतमंदों में तकसीम किया जाए। ईद के मौके पर दावतों का एहतमाम बिल्कुल ना करें। कुर्बानी के जज्बे के तहत आए, हम दूसरों के लिए एक मिसाल बने, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज बनाएं।